सीबीटी में एक पार्ट था कि आपको अपना बाहर का होलिया बहुत ही मजेदार बहुत ही बेहतरीन रखना है। वो सब बातें तो थी, आपका स्टाइल, आपका बैठने का चलने का, वो तो ठीक है, लेकिन आपका बाहर का होलिया, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्माइल, आपका यानी फेस के बारे में बोला था ना, चेहरा आपका बहुत कुछ बयान करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है आईने में कि क्या आपको पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद करते हैं तो आप बाहर निकलिए। अगर आपको कहीं कमी लग रही है आपके कपड़ों में, आपके चेहरे पर, आपके बालों में, तो पहले उसको ठीक कीजिए। आप अपने आप को देखने के लिए काबिल बनाते हैं, आप खुद को पसंद करने के लिए काबिल बनाते हैं, तो ही दुनिया आपको पसंद करेगी। आप खुद को पसंद नहीं करते, मतलब दुनिया तो आपकी तरह ही ना, आपकी तरह ही सोच रही है। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो दुनिया आपको पसंद क्यों करेगी? ऐसी आपके अंदर क्या खास चीज हो गई जो दुनिया आपको पसंद करने लगे? तो पहले एक बात आप बहुत इजीली समझ लीजिए कि आप अपने आप को पसंद करने के लिए काबिल बना दीजिए, बाकी की चीज़ें बहुत इजीली हो जाएगी। इसमें आपको लग रहा है कि आपको सेविंग करके अच्छा लग रहा है कि आपका सेविंग अच्छा नहीं है, तो आप खुद को पसंद नहीं करते। अगर कपड़े अच्छे नहीं हैं तो कपड़े अच्छे पहन लीजिए, सेविंग कीजिए। आपके चेहरे से आपको कुछ परेशानी है कि चेहरा मेरा ठीक नहीं लग रहा है, तो चेहरा को ठीक कीजिए, थोड़ा स्माइल फेस रखिए, थोड़ा जोशीला चेहरा बनाइए। आपके बालों से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो थोड़े बाल संवार लीजिए, 100 रुपये में बाल अच्छे कर देंगे। वहाँ पे बार बार बहुत ही सारे बैठे लाइन में, जैसा आपको हेयर स्टाइल बनाना है वैसा बना के रख देंगे आपको, ठीक है। और थोड़ा आपको फेस मसाज करना है तो वो भी करवा लिए, 200-300 रुपये में भी हो जाएगा, इसमें कहाँ लाखों का इन्वेस्टमेंट है। तो अपने आप को कुछ बनाना है, बेटर बनाना है, तो कोई बड़ा टाइम नहीं लगता इसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को आइडियल बना के ही बाहर दुनिया के सामने खुद को पेश करिए। जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, दुनिया के सामने पेश करना ही नहीं चाहिए। इसकी वजह क्या है, शायद आपको समझ में आ रही नहीं है तो दूसरे किसी सेशन में इसको बताएंगे कि क्या अहमियत है।